जय हिंद दोस्तों। टॉपिक चल रहा है हमारा SHM। हम यहाँ तक आ गए थे, एक्सेलरेशन का ग्राफ मैंने एज होमवर्क के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। सो हम देखते हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ हमने कैसे प्लॉट किया। सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट किया, कुछ टाइम इंटरवल बताए हमने, T/4, T/2, 3, T/4 और T, मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड में हम इसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वैसे एक्सेलरेशन की ड्रॉ करेंगे, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया, ठीक है। पार्टिकल का पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मेन पोजीशन पे है, राइट। तो मेन पोजीशन से पार्टिकल निकलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, टाइम T/4 होगा, वहाँ से रिटर्न आएगा, T/2 टाइम चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, 3 T/4 टाइम चला जाएगा, रिटर्न आएगा तो कंप्लीट T टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने टाइम इंटरवल प्लॉट किया, और रिस्पेक्टिव टाइम इंटरवल पे टी इज इक्वल्स टू 0 भी होगा मेन पोजिशन पे, T/4 पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी हम प्लॉट करें। तो हमने देखा मेन पोजिशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एक्सट्रीम पोजिशन पे जाते हैं तो -ω² है, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। T/4 इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द एक्सेलरेशन, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद वापस रिटर्न आ गए मेन पोजिशन पे, तो ये ओरिजिन पे आएगा। मेन पोजिशन से हम निगेटिव एक्सट्रीम पे गए तो ω² है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन आएगा एट टाइम 3 T/4। व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू मेन पोजिशन अगेन द टाइम पीरियड विल कंप्लीट एज अ टी एंड वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा 0। सो ये भी एक साइनोसोइडल ग्राफ होगा। सभी ग्राफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के तीनों ग्राफ विल बी साइनोसोइडल ग्राफ, ठीक है। ये इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन। थोड़ा गौर करके देखोगे ना, इसके पहले भी हमने दो ग्राफ प्लॉट किए थे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे आता था? इलिप्स आता था। एक्सेलरेशन एंड इसका ग्राफ, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था, एंड लिखा है मैंने, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसका ग्राफ कैसे आया था? स्ट्रेट लाइन आई थी विच इज़ पासिंग थ्रू सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर इसको हम समराइज करते हैं तो हम यहाँ पे समरी कर देते हैं इसकी, ठीक है। ऑल द थ्री क्वांटिटीज, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेरीज हार्मोनिकली विद टाइम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अब्रप्टली कहीं चेंज हो रहा है, स्मूथली ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, स्मूथली डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आती है? ए ओमेगा आती है, ये हमने पता है। थर्ड पॉइंट में लिखा है मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता है ω² है, दैट वी नो। तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स हुए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? विच इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की तरफ, इन SHM वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2। मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फेज एंगल है, जो इनिशियल फेज होता है ना फाई, वैसे ही फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, वो पोजिशन बताता है, इनिशियल पोजिशन डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी के ग्राफ की क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इनिशियली टी इज इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एंगल वो है π/2। फिफ्थ पॉइंट, इन SHM एक्सेलरेशन इज बिहाइंड द वेलोसिटी बाय फेज π/2। अभी हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को कंपेयर किया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी यहाँ पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? तो याद रखना π/2 का है, ठीक है। कौन आगे है? वेलोसिटी आगे, किससे? डिस्प्लेसमेंट से भी और एक्सेलरेशन से भी। बस यहाँ पे मैंने दूसरे टर्म में लिखा, एक्सेलरेशन इज बिहाइंड द वेलोसिटी बाय फेज π/2। उल्टा भी लिख सकता था, वेलोसिटी इज अहेड द एक्सेलरेशन बाय π/2, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज। लास्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा क्लियर आ जाएगा। ये यहाँ वाला पॉइंट और ये यहाँ वाला पॉइंट अगर हम कंपेयर करते हैं तो यू कैन सी ये इतना बड़ा यहाँ पे फेज डिफरेंस है, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा टर्न करके, विच इज़ नथिंग बट 180 डिग्री। सो डिस्प्लेसमेंट इज अहेड बाय एक्सेलरेशन बाय पाई फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट इज अहेड टू एक्सेलरेशन बाय फेज ऑफ पाई रेडियन। फिर बात आई एनर्जी की, हमने एनर्जी पढ़ा, बड़ा सिंपल सा था, यहाँ से ये स्मूथ जाएगा काफ़ी,
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एसएचएम में जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। केमिकल न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। मैकेनिक्स में दो ही प्रकार की एनर्जी हम डील करते हैं। सबसे पहले जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट करेगा, एक्सट्रीम में जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस मोशन कहीं पे भी अगर मुझे पूछा कि ये पोजीशन में पर्टिकुलरली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, तो हमें दो फॉर्मूले मिलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आगे चल के देखेंगे हम इनके दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो आइए पहले देख लेते कि ये फॉर्मूला आया कैसे। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की है, तो अगर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन आएंगे। हमने दो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन हम अभी तक देखे थे, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अगर एक बार पुट करते हैं यहाँ पे तो हमें काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं हाफ एम, तो ये हाफ एम, वी स्क्वायर है तो ये सभी स्क्वायर हो जाएंगे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइम पुट करेंगे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखते हैं लाइफ झिंगा लाला हो रही है, ओमेगा का स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट में छतरी उड़ गई क्योंकि स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो फॉर्मूले याद रखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के, ये दो फॉर्मूले हमें मिले, ठीक है। कई बार एम ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ये एम इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, के लिखते हैं, पता है हमें ये, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, सो के को मैं एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कई बार हम किताबों में देखेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे डायरेक्टली के लिखा होगा, सो यहाँ पे लिखेंगे के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पता होना चाहिए। एक चीज़ एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, किसी भी ड्यूरिंग एनी पोर्शन ऑफ द एसएचएम अगर एवरेज वैल्यू पूछी जाए काइनेटिक एनर्जी की, तो एवरेज वैल्यू के लिए हम इस प्रकार का सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे एवरेज वैल्यू देखोगे तो ये वाली जो टर्म होती है इसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2, बाकी चीज़ें तो कॉन्स्टेंट है भाई, चेंज होने वाली तो यही टर्म है सिर्फ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन देखा, यहाँ पे मैथ्स के अनुसार ये वैल्यू जो होती है इसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2, तो वो यहाँ पे हमने पुट कर दी, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी 1/4। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। अभी पोटेंशियल एनर्जी होगी एसएचएम में कैसी होगी, थोड़ा विजुअलाइज करूँ। एक एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ब्लॉक मास अटैच है, ठीक है, इसको थोड़ा इनिशियली हम खींचते हैं एफ फोर्स से, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये स्प्रिंग क्या होगी, इलोंगेट हो जाएगी, और ये क्या करेगी, ये कुछ फोर्स कुछ एनर्जी स्टोर करके रखेगी। कैसे पता चला एनर्जी स्टोर करके रखेगी, इसको छोड़ दो एफ फोर्स को, ये रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न क्यों आ पाई ये ब्लॉक, क्योंकि स्प्रिंग ने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी। हमने ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स, तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, तो माइनस के एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस के बाहर आएगा एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, तो वर्क डन हमें मिला हाफ के एक्स स्क्वायर बाय टू, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सो वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे, निगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, एस एच एम कॉन्स्टेंट, फॉर दिस केस वो एस एच एम कॉन्स्टेंट क्या होगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। डिफरेंट केसेस के लिए के की वैल्यू बदल जाएगी, जब यहाँ पे स्प्रिंग आएगी तो के विल बी नथिंग बट अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, ये एक मिल गया एक्स के टर्म में, मुझे टी के टर्म में फॉर्मूला चाहिए, ये वाला नीचे जो लिखा है, तो हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। के जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था वही पे यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी m इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देखो k इज m ओमेगा स्क्वायर, सो जहाँ जहाँ m इंटू ओमेगा स्क्वायर दिखेगा, चाहे तो k के फॉर्म में लिखो फॉर्मूला, चाहे k को m ओमेगा स्क्वायर लिख के तुम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। एवरेज वैल्यू, तो ये जो टर्म है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, उसकी एवरेज वैल्यू भी आती है 1/2, वो यहाँ पे पुट करोगे तो एवरेज वैल्यू का एक फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर, या उसको के भी लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर को तुम लिख सकते हो के, ये फिर ए स्क्वायर, ये 1/4। तीन फार्मूला मिले, ये वाला, ये दूसरा, और एक एवरेज वाला तीसरा। और बैक ऑफ द माइंड में पता होना चाहिए ओमेगा को अंडर रूट के बाई एम हम सब्सिट्यूट करते हैं। ये रही पोटेंशियल एनर्जी। अभी बात करते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी विल बी नथिंग बट एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नथिंग बट एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। सो काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। पोटेंशियल एनर्जी आती है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में ये टर्म कॉमन है, यहाँ पे लिख ली, और अंदर क्या बचेगा फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, वो तो वन हो जाएगा, दिस विल बिकम वन, ये वन हो जाएगा, ये पता है ना मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे थीटा क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या यू कैन राइट हाफ के ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट के। ग्राफ प्लॉट किया हमने इसका, हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के हम दो ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक एनर्जी वर्सेस टाइम, एक ही ग्राफ में तीनों एनर्जी हम दिखा सकते हैं। दूसरा ग्राफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले ये ग्राफ हम देख लेते हैं। सिचुएशन हमने ड्रॉ की थी, मीन पोजीशन, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है। मीन पोजीशन पे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू जीरो होती है, वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है ए ओमेगा होती है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो होती है। तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मीन पोजीशन पे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया ये, इसका फॉर्मूला हमारे पास है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे हमने जीरो पुट किया तो क्या बचा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है, एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर भैया हम आए एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यू आई, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक्स की जगह पे ए पुट कर दो तो वो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म जीरो हो जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो। या ये भी कह सकते हैं हमें पता है वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमने ए लिखा तो वो कितना हुआ हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ के ए स्क्वायर, के को एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते। तो एक कंक्लूड हमने किया कि टोटल एनर्जी मीन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन या कहीं पर भी देखो वो कॉन्स्टेंट रहेगी, एट एनी पोजिशन टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी, ठीक है। बस ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, फिर टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हम देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजिशन पर जीरो है, एक्सट्रीम पोजिशन मतलब टाइम टी बाई फोर है वहाँ पर ये मैक्सिमम हो रही है, मतलब मीन पोजिशन से एक्सट्रीम की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ अगर हम आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, फिर ये मीन से पीछे वाले एक्सट्रीम में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे नहीं आएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से हम मीन पोजीशन की तरफ आएंगे तो ये घट जाएगी। यही ग्राफ में हम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी करण अर्जुन एक दूसरे के दुश्मन है, इसका मतलब है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हीरो है, मैक्सिमम है। सो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन तक आएंगे तो टाइम टी बाई फोर चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, जीरो होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी, फिर मीन पोजीशन की तरफ आएंगे तो ये बढ़ेगी फिर से, ठीक है। सो थ्रू आउट द वन टाइम पीरियड हमने ये ग्राफ दिखाया, और एक ग्राफ हमने दिखाया नीचे की तरफ ये वाला, यहाँ पे हमने एनर्जी और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट किया। मीन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, जीरो है, तो ये वाला पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्स इज इक्वल्स टू ए या माइनस ए, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके का दिखेगा।
दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी थ्रू आउट माइनस ए टू प्लस ए ऑल्सो इंक्लूडिंग द मीन पोजिशन, टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑन द अपोजिट साइड, मीन पोजिशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजिशन पे वो कैसी है, कम है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तीनों पॉइंट को, तो दिस इज गिविंग मी द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस प्रकार हमने ग्राफ भी देखे थे। फिर एक क्वेश्चन हमने किया, इस क्वेश्चन में पूछा गया था अ बॉडी एग्जीक्यूट्स एस एच एम विथ एन एम्पलीट्यूड ए एट वॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। बॉडी एस एच एम परफॉर्म कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड ए दिया है, पूछा है एट वॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी कहाँ होगा। तो अगर मान लो कि ये मेन पोजिशन है, ये एक्सट्रीम पोजिशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजिशन, एट अ डिस्टेंस वॉट द पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, के को अगर पुट करेंगे एम ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर। देखो दोनों फॉर्मूला पोटेंशियल और काइनेटिक का लगभग सेम दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है यहाँ पे स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी को सब्स्टिट्यूट कर दिया हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पे, टोटल एनर्जी को सब्स्टिट्यूट किया हाफ के ए स्क्वायर हाफ के स्क्वायर। देखो यहाँ पे हाफ हाफ कट, के और के कट हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई टू, मतलब मीन पोजीशन के राइट में मीन पोजीशन के लेफ्ट में एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बाई टू पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। ये हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। आज के लेक्चर यहाँ से शुरुआत करते हैं और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन, फिर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे बेटा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम आर इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज, चार ऑप्शन दिए, ए बाई टू, ए बाय रूट टू, ए रूट टू बाई थ्री एंड ऑप्शन डी ए रूट टू। ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को, गिवन क्वेश्चन के अनुसार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो, वो डिस्टेंस क्या, थोड़ा ग्राफ का यहाँ पे कंसर्न लेकर आते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये वाला पॉइंट पूछा है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, मीन पोजीशन से वो डिस्टेंस कितना वो बताओ, ये वाला क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम लिखना पड़ेगा ना, हाफ एम, लेट मी राइट क्लियर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी को क्या लिखा था हमने, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इस के को क्या लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बराबर, ठीक है। वो चीज़ें कट हो रही है, वन बाई टू एम एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ये बच रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर which is equals to 2x square, this is a square by 2 is equals to x square, तो x हमें मिलेगा
ए अपॉन रूट टू प्लस माइनस, क्योंकि दो पॉइंट आ रहे हैं ना, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय रूट टू माइनस ए बाय रूट टू एंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए बाय रूट टू, ये दोनों पोजीशन पे क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फ्रेंडशिप कर रहे हैं, दे आर बिकम फ्रेंड्स एट दिस पोजिशन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके ऑल राइट, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ये सभी चीज़ें हमने कर ली, इनफ इसके ऊपर क्वेश्चंस इनफ है। अभी अभी हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं टाइम पीरियड, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा अभी ये टाइम पीरियड। पेजेस हम ऐड करते हैं थोड़ी देर के लिए, रिकॉर्डिंग पॉज लेते हैं और सिचुएशन भी प्लॉट करते हैं, ठीक है? सो वी आर डिटरमाइनिंग द टाइम पीरियड इन एसएचएम। हम टाइम पीरियड की बात करेंगे एसएचएम के अंदर, टाइम पीरियड को कैसे डिटरमाइन करना है। अलग अलग किस्म की सिचुएशन हमारे पास होगी, तो हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस लिख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो कि एक सिंपल पेंडुलम है, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं, एक स्ट्रिंग और नीचे बॉब है, ठीक है? ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? या अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बहुत कॉमन सिस्टम है ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे हम इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रख दें, तो क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा क्या? उसकी हमें बात करनी है। या किसी लिफ्ट के अंदर हमने पेंडुलम को रख दिया और ऊपर एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट, तो टाइम पीरियड क्या होगा? लिफ्ट नीचे आएगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? इस हिसाब के कुछ क्वेश्चन हमें डील करने पड़ेंगे, ठीक है? कई बार ऐसे दे देंगे, एक पुली अटैच है, इस प्रकार से यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम पीरियड को डील करने के लिए हमें कुछ मेथड है। इस मेथड का नाम है फोर्स मेथड। इस मेथड का नाम मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, जब मैं दूसरी मेथड बताऊँगा तब हम लिखेंगे। दो प्रकार के मेथड होते हैं, फोर्स मेथड एंड एनर्जी मेथड, ठीक है? लिख ही लेते चलो। फोर्स मेथड होती है और एक दूसरी होती है एनर्जी मेथड, ठीक है? सिंपल है दोनों भी। फोर्स मेथड थोड़ा कन्वीनियंट जाता है हमें, एनर्जी मेथड उससे भी सिंपल है। लेट्स सी, हम अभी फोर्स मेथड की बात करें, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, फोर्स मेथड। भूल जाओ कुछ नाम होते, भूल जाओ, कुछ ज़रूरत नहीं है नाम याद रखने की। क्या कहते हैं? लोकेट द मेन पोजिशन। मेन पोजिशन फाइंड आउट करो, कोई भी सिचुएशन हो उसकी मेन पोजिशन देखो, कहाँ पे है, क्या है, कैसी है, ठीक है? फिर हमें की पॉइंट्स लिख रहे हैं, आगे चल के इसको ही हमें एक्सपांड करके डिस्कस करना है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स, स्मॉल डिस्टेंस एक्स से जिसको डिस्प्लेस करो, कहाँ से? फ्रॉम मीन पोजिशन, फ्रॉम मीन पोजिशन। अच्छा, हमने मीन पोजिशन लोकेट की, मीन पोजिशन से एक्स डिस्टेंस हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, क्या करेंगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे, एक डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं बेटा, वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानेंगे। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज टेकन पॉजिटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया, अगर यहाँ पे मैं खींचता हूँ तो ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव कहलाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव होगा, ठीक है? अगर मैं इनिशियली इसको यहाँ खींचता हूँ, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट में एक्स करता हूँ, तो ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव होगा, ये कहता है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, हम फिर कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स, एफ बी डी ड्रॉ करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करेंगे दी नेट फोर्स इन द डिस्प्लेस्ड पोजिशन। इसको एक्स पोजिशन से डिस्प्लेस किया हमने, यहाँ पे फिर निकालेंगे, नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर टी लग रहा है, और जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे।
तो वही लिखा हमने फोर्थ पॉइंट पे, कैलकुलेट द नेट फोर्स इन द डिस्प्लेस्ड पोजिशन, डिस्प्लेस्ड पोजिशन। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम करेंगे कंपेयर डिस्प्लेस पोजिशन एंड फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एंड फाइंड आउट एक्सेलरेशन। फिफ्थ पॉइंट पे हम लिखेंगे, क्या लिखें, हाँ, कंपेयर द एक्सेलरेशन, कंपेयर द एक्सेलरेशन विथ जनरल इक्वेशन ऑफ SHM एंड गेट ओमेगा। ओमेगा के लिए चल रहा है ये सब, जनरल इक्वेशन हमें पता है, लिखेंगे हम आगे, उसके अंदर ओमेगा आएगा, हम ओमेगा को कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करना है वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद फाइनली हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड, फाइनली हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड, और वो क्या होता है, टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू के लिए हमने ये चार स्टेप किए, ठीक है, ओके। तो पहले हम इस प्रकार की सिचुएशन को देखते हुए ये सभी स्टेप्स लगा के हम टाइम पीरियड क्या आता है सिंपल पेंडुलम का, हम उसकी अभी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये हम ये पॉइंट्स याद रखेंगे, हम यहाँ पे वो सभी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। आगे कौन सा थर्ड पॉइंट, अब ये सभी समझ में आएगा बेटा, पहले मुझे वो सिचुएशन क्रिएट करने दो। सबसे पहले हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग ऑल दिस स्टेप, ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन ये सभी स्टेप आ जाएंगे। सो पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग SHM, ठीक है, सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग SHM, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई है, सिंपल पेंडुलम पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, नोट, नोट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम विल परफॉर्म SHM ओनली इफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। मतलब ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम को छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही ये डिस्प्लेस करें, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है ये काफ़ी छोटा होगा, थीटा की वैल्यू काफ़ी छोटी होगी, तभी ये जो सिंपल पेंडुलम है ना ये यहाँ पे SHM परफॉर्म करेगा, नहीं तो क्या होगा, दिस विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस पेंडुलम विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों ये कंडीशन हम लगा रहे हैं, क्यों ये कंडीशन हम लगा रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ दिस थीटा इज वेरी स्मॉल देन द SHM ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी ट्रीटेड एज लीनियर SHM, लीनियर SHM, ठीक है। अगर ये थीटा काफ़ी छोटा हो तो ये SHM परफॉर्म करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब ये थीटा छोटा हो तो इसका जो SHM है वो लीनियर SHM परफॉर्मर होगा। देखो थीटा की वैल्यू अगर छोटी हो जाएगी तो ये कर्व पाथ पे चलेगा, तो हमें एंगुलर SHM जैसा इसको ट्रीट करना पड़ेगा। थीटा हम पहले कंडीशन में स्मॉल रखेंगे, थीटा बेटा काफ़ी छोटा रहेगा, तो ये जो इसका SHM है ये हमें लगेगा कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में इसका SHM परफॉर्म हो रहा है। यह कंसिडर करके हम अभी इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम अभी
नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वो पूरे पेज पे इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे आएंगे, डेरिवेशन, वो सभी चारों स्टेप को हमें यहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। पेंडुलम थोड़ा बड़ा साइज में दिखाएंगे हम यहाँ पे, ओके। पहली स्टेप क्या कहती है, इसको डिस्प्लेस करो, लोकेट द मीन पोजिशन, दिस इज मीन पोजिशन, पेंडुलम की ये क्या है, मीन पोजिशन। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन मैं जब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा एंगल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमने इसको एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करना है, लेट से यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहली स्टेप यही कहती है, फिर क्या करेंगे हम, हमें देखना है कि जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन निगेटिव मानेंगे, ठीक है। इसके पहले हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेस पोजीशन के ऊपर, ये हमारी डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, ये डिस्प्लेस पोजीशन के ऊपर नेट फोर्स कितने हैं वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो FBD निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे FBD निकालते हैं, MG नीचे लगेगा, टेंशन T यहाँ लगेगा भाई, ठीक है। अभी इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, इसके हम क्या करते हैं कंपोनेंट्स ले लेते हैं। MG का कंपोनेंट क्या आएगा, इन दिस डायरेक्शन, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो बताए ये क्या आएगा, क्या लिखें हम यहाँ पे, बच्चा पार्टी, व्हाट शुड वी राइट हियर, mg cos थीटा, वी विल राइट mg cos थीटा, ठीक है। और उसको परपेंडिकुलरली यहाँ पे ये जो आएगा, ये भाई साहब क्या लिखेंगे इनको, mg sin थीटा, सो वी विल राइट mg साइन थीटा, हो गई FBD क्लियर हो गई, ठीक है। इस पेंडुलम की लेंथ L कंसिडर करेंगे, पेंडुलम की लेंथ जो है वो L हमने कंसिडर की है, ठीक है। ये जो बॉब है इसका मास M कंसिडर किया है, ठीक है। अभी यहाँ से x डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। एक्चुअल में हम इसे देखेंगे, थोड़ा हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमने इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया, ये एक्चुअल में ये आर्क होगा ना, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी आर्क लेंथ होगी ये एक्स, लेकिन हमारा थीटा काफ़ी छोटा है इसलिए जो आर्क लेंथ एक्स है वो स्ट्रेट दिखाई पड़ेगी। थीटा कैसा है हमारा, थीटा कैसा है, स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, वट वी कैन से थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ एल है ना, वी कैन राइट एक्स बाय एल, वी कैन राइट एक्स बाय एल। थीटा अगर स्मॉल है तो ये डायग्राम बेसिकली दिखेगी ऐसी, ये स्ट्रेट, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है, जब थीटा स्मॉल होता है, वेन थीटा इज स्मॉल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेन थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा की वैल्यू हम थीटा के बराबर मानते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, थीटा की वैल्यू छोटी होती है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, और इवन टैन थीटा की भी वैल्यू हम थीटा के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। सो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। रेडियस मतलब यहाँ पे लेंथ होगी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आर्क लेंथ एक्स वो काफ़ी छोटी है, थीटा काफ़ी छोटा है तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, और रेडियस मतलब यहाँ पे क्या है, ये लेंथ एल है, ठीक। क्यों कर रहे हो सर आप ये, यहाँ पे देखो इस साइन थीटा को हम अभी सब्सिट्यूट करेंगे, साइन थीटा को क्या सब्सिट्यूट करेंगे हम, एक्स बाय एल, साइन थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, एक्स बाय एल, ठीक है। अच्छा तो एक बार थोड़ा गौर करना, हमने एम जी के दो कंपोनेंट्स लिए, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, यहाँ पे टेंशन टी है, ठीक है। ये दोनों तो बैलेंस हो जाएंगे, टी इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे हमने लिखा इक्वेशन, टी इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिला, एम जी कॉस थीटा, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं, दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। एम जी साइन थीटा से क्या प्रोड्यूस हुआ, एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है, इस पेंडुलम को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेकर जा रहा है, इस एम जी साइन थीटा को क्या कर रहा है, अपने
ओरिजिनल पोजीशन में लेकर जा रहा है। मतलब ये किसके जैसा एक्ट कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ रिस्टोरिंग फोर्स। एम जी साइन थीटा इज एक्टिंग लाइक अ रिस्टोरिंग फोर्स, और उसी के कारण तो एस एच एम परफॉर्म होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं एम जी साइन थीटा इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज एक्टिंग लाइक अ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, के एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स। अभी एम जी साइन थीटा को हम निगेटिव ले लेंगे, एम जी साइन थीटा को क्या लेंगे हम, निगेटिव। क्यों, मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, टूवर्ड्स दी राइट। मैंने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया, टूवर्ड्स दी राइट, इस दिशा में हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन हमें क्या लेना पड़ेगा, एम जी साइन थीटा को निगेटिव लेना पड़ेगा। हमने पॉइंट्स लिखा, कहाँ लिखा, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकन पॉजिटिव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डायरेक्शन एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच विल टेक पॉजिटिव, उसके अपोजिट में क्या होगा, एम जी साइन थीटा, कोई भी क्वांटिटी हो, फोर्स हो, कोई भी हो, वो निगेटिव लेंगे। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, विल राइट माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, निगेटिव निगेटिव चला जाएगा, निगेटिव निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, एम जी साइन थीटा, ओके, और ये साइन थीटा को अभी सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज एक्स बाय एल। सो एम जी एक्स बाय एल इज इक्वल्स टू के इन टू एक्स, तो एक्स एक्स भी चला जाएगा यहाँ से। ये क्या सब्सटीट्यूट किया सर आपने, साइन थीटा को मैंने क्या पुट किया, एक्स बाय एल, कहाँ से लाया, यहाँ से लाया। वट वी आर गेटिंग हियर इज एम जी बाय एल इज इक्वल्स टू के, के को सब्सटीट्यूट करते हैं, वट इज के, मुझे कोई बताए के को क्या लिखते हैं, अगर मैं यस, इसको हम लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से एम भी कट हो गया, बड़ा सिंपल ना, ओमेगा क्या आएगा यहाँ से, वट वी आर गेटिंग ओमेगा एस जी बाय एल, अंडर रूट जी बाय एल, इसी की तो तलाश थी ना हमें। हम चेक करते क्या हमने सभी स्टेप यही फॉलो किए, पीछे आए हम, लोकेट द मीन पोजिशन, यस मीन पोजिशन लोकेट की हमने, डिस्प्लेस किया बाय स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजिशन, यस इसको स्मॉल डिस्टेंस एक्स से डिस्प्लेस किया, और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव मानना, ये थर्ड पॉइंट में भी देखा। कैलकुलेट द नेट फोर्स एट डिस्प्लेस पोजिशन, एम जी नीचे दिखाया, टी यहाँ दिखाया, उसके दो कंपोनेंट्स लिए। कंपेयर द एक्सेलरेशन विथ जनरल इक्वेशन, एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट किया हमने, कहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया सर, ये देखो अगर यहाँ से एम कट कर देते हैं तो वो एक्सेलरेशन ही आएगा, एक्सेलरेशन कितना आया इसका, जी साइन थीटा, उसको कंपेयर किया हमने रिस्टोरिंग फोर्स के साथ के एक्स। ठीक है, सो एम जी साइन थीटा इज अ फोर्स, उसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स के साथ कंपेयर किया। ठीक है, एक्सपांड किया, वहाँ से हमने ओमेगा फाइंड आउट किया। अभी हम टाइम पीरियड यहाँ से बता सकते हैं क्या, टाइम पीरियड होता है 2π बाय ओमेगा फॉर दिस सिंपल पेंडुलम, अगर थीटा काफ़ी छोटा हो तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, रूट जी बाय एल, या आप हम पुट करते हैं अंडर रूट जी बाय एल, तो क्या मिलेगा हमें, टी इज इक्वल्स टू वट वी आर गेटिंग, रूट एल ऊपर चला जाएगा, ये 2π अंडर रूट एल बाय जी, ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया हमें, दिस इज द टाइम पीरियड 2π अंडर रूट एल बाय जी, बड़ा सिंपल था। अभी देखोगे तो सिंपल लगेगा, देखो कुछ नहीं किया हमने, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, एम जी नीचे, एम जी साइन थी, एम जी कॉस थीटा इधर, टी इधर, एम जी साइन थीटा इधर। ठीक है, कंडीशन क्या लगाई हमने, थीटा काफ़ी छोटा होना चाहिए तभी ये लीनियर एस एच एम परफॉर्म करेगा, तभी हम रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स बता सकते हैं। यहाँ पे थीटा काफ़ी छोटा है तो हमने ये वाला पोर्शन ड्रॉ किया, यहाँ पे हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, वो फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ताकि हम इस साइन थीटा को सब्सटीट्यूट कर सकें, जब थीटा काफ़ी छोटा है तो ये थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाता है, तो एक्स बाय एल जो थीटा था उसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, हमने देखा अभी फोर्सेस को इक्वल किया, टी इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई मोशन नहीं हो रहा है,
दूसरा जो फोर्स था एम जी साइन थीटा, उसके कारण रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था। तो हमने इसको माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम निगेटिव साइन देते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स के बराबर इसको एम जी साइन थीटा कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू रख दी हमने एक्स बाई एल, यहाँ से उठा के यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एम जी बाई एल इज इक्वल टू के हुआ, के को हम एम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, के विल राइट एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम एम कट हो गया, जी बाई एल इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मिल गया मुझे अंडर रूट जी एल, टाइम पीरियड होता है 2π बाई ओमेगा, तो ये जो सिंपल पेंडुलम इसका टाइम पीरियड हमें मिल गया 2π अंडर रूट एल बाई जी, दिस इज द सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, ऑलराइट, इसके कुछ केसेस हम देखते हैं अभी। व्हाट्स द टाइम, टाइम है हमारे पास। केस वन, यस सर, वो थर्ड पॉइंट में लिखा है द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सर मतलब वो, मतलब उसका मेथड समझा सर आपने, ओके अप्लाई किया, बट वो स्टेटमेंट इंडिविजुअली समझ में नहीं आया। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेकन पॉजिटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंपल भाषा में, शब्दों में उलझना नहीं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहे वो हमें पॉजिटिव लेना है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ लेता इधर की तरफ, तो ये डायरेक्शन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जहाँ पे उसको तो उठा मतलब के लेकर जा रहा हूँ वो पॉजिटिव। उसके बाद उस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो कुछ भी हो, वो सब पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में निगेटिव। यस, तो सर उसको डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस ठीक है, उसे थोड़ा करेक्ट कर दूं क्या, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेकन पॉजिटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन कर देता हूँ। ठीक है, अभी नहीं कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, चलो केस देखते हैं अभी, और इसके अलावा किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ ले भाई। एनीवन बताओ, यस नो, आगे चलूँ, रुकूँ यहाँ पे, आगे चलना है, रुकना है यहाँ पे, एवरीवन प्लीज, यस नो, सो केस वन करते हैं। यस, तो मान लो यहाँ पे पेंडुलम इज टेकन इनटू द लिफ्ट, ये हेडिंग के अंदर हम केस वन देखते हैं। केस वन, ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन, विथ एन एक्सेलरेशन ए। सिचुएशन को समझो, लिफ्ट, उसके अंदर पेंडुलम, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है, अगर इसको डिस्प्लेस करके पेंडुलम SHM परफॉर्म करेगा और लिफ्ट को हम ऊपर लेके जाएंगे, क्या इसके टाइम पीरियड के ऊपर अफेक्ट होगा, क्या टाइम पीरियड सेम रहेगा अभी भी, क्या चेंज होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या कहती है इसकी, SHM मतलब इसकी डिस्प्लेस करो, मीन पोजीशन ये है, ये मीन पोजीशन है, वहाँ से इसको अगर हम डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ से अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया हमने, यहाँ पे इसकी FBD निकालो, यहाँ पे क्या करो इसकी FBD निकालो। ठीक है, तुम इसको थोड़ा बाहर निकालते ताकि हम इसको क्लियरली बता सकें। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस पोजीशन है, ठीक है, लिफ्ट जा रही है ऊपर, ठीक है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो एम जी प्लस ए लिखना पड़ेगा हमें, स्यूडो फोर्स लगेगा ना, वी आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में देखा है, जब कभी लिफ्ट जाती है ऊपर तो जो मास है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो हम नीचे की तरफ दिखाते हैं, तो स्यूडो फोर्स या स्यूडो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दिखाएंगे हम। ठीक है, अगर लिफ्ट यहाँ पे कुछ एक्सेलरेट नहीं करती तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एम जी लिखते हैं, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है ए, तो यहाँ पे हम स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ दिखाएंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, टेंशन टी, टेंशन टी यहाँ लगेगा,
अब इसके हम दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। मैं इसको थोड़ा एरो बड़ा करके दिखाता हूँ। सो दिस इज एम जी प्लस ए। अच्छा, अगर लिफ्ट नीचे जाती तो सीडो फोर्स हम ऊपर लेते, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, क्योंकि जी नीचे है ए ऊपर है, जी नीचे है ए ऊपर है, तो एम जी माइनस ए नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ये केस में क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर है, सीडो फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे लगेगा, जी का वैल्यू भी नीचे, इसलिए यहाँ पे ऐड किया है जी प्लस ए। इसके कंपोनेंट्स ले लेता हूँ, ये भी थीटा रहेगा अगर इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है, तो दिस विल बी एम जी प्लस ए कॉस थीटा लिखेंगे, और ये वाला क्या आ जाएगा, एम जी प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, अभी इसको इक्वेट कर देंगे हम नेट फोर्स के बराबर, वही स्टेप्स आएंगे, थीटा काफ़ी स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय एल, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे एक्स बाय एल, थीटा कैसा है, छोटा है, काफ़ी छोटा है, यही कंडीशन के लिए चल रहा है ये सब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल्स टू अभी हो गया यहाँ पे एम इंटू जी प्लस ए कॉस थीटा, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एम जी प्लस ए साइन थीटा। माइनस क्यों लिया है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में मोशन पॉजिटिव, और पीछे जो भी पैरामीटर्स आएंगे नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स, उसके बराबर कर दिया हमने। अभी वही स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे फाइनल आंसर में क्या आएगा। ठीक है, तो ये एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एम जी प्लस ए साइन थीटा को लिखेंगे एक्स बाय एल, यहाँ पे काटा काटी होगी, एम एम चला जाएगा और कुछ कट हो रहा है क्या, एक्स बाकी रहा ना सर, आपने एक्स लिखा ही नहीं यहाँ, ये वाला एक्स भूल गया ना, एक्स लिखना, चल राइट दैट एक्स हियर, एक्स, तो वो एक्स और एक्स भी कट हो गया। तो ओमेगा क्या मिला हमें, व्हाट इज ओमेगा, ये माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन, वो भी कट हो गया। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू हमें मिला जी प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दी मैंने इसमें। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, वो यहाँ पे प्लस हो गया। के को मैंने पुट किया एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा अभी ओमेगा स्क्वायर, एम और एम कट हो गया, एक्स और एक्स कट हो गया। ठीक है, ओमेगा कितना मिला रहे हमें यहाँ से, अभी फिर उसको डाला हमने अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए अपॉन एल, तो टाइम पीरियड इसका मिल जाएगा हमें जो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद टाइम पीरियड क्या हो गया, ये ओमेगा नीचे है तो ये एल ऊपर जाएगा और ये जी प्लस ए आएगा, टाइम पीरियड मिल गया। दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। मुझे बताओ टाइम पीरियड सेम आ रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा, ये नंबर क्या होगा, कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अभी टाइम पीरियड विल डिक्रीज व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड। ठीक है, यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस निकल सकते हैं अभी। क्या याद रखना है हमें, अगर लिफ्ट ऊपर जाती है टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे नोट, सो टाइम पीरियड क्या मिला मुझे, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। सो एज लिफ्ट मूव अप विथ एन एक्सेलरेशन ए टाइम पीरियड डिक्रीजेस विथ दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं केस टू ले लूँ और इतना सारी चीज़ें ना करूँ तो क्या तुम लोग मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता सकते हो क्या, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा केस टू, ये ही केस है, बस एक्सेलरेशन को हम
नीचे की तरफ दिखाना चाहते हैं। एक्सेलरेशन, बस अभी लिफ्ट नीचे जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है? नीचे को जा रही है। यही सेंटेंस को लेते हैं, कॉपी करते हैं। यहाँ पे वर्ड बस रहेगा मूविंग डाउनवर्ड। क्या तुम मुझे बता सकते हो टू पाई अंडर रूट, यहाँ पे जी प्लस ए है, वहाँ पे क्या आएगा? जी माइनस ए, अंडर रूट ऑफ एल जी माइनस ए। दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है? सब सिचुएशन वही है जहाँ जहाँ पे हमें, सब सिचुएशन वही है जहाँ जहाँ पे हमें, मेरी कॉपी करके यहाँ देखते हैं, जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है जी प्लस ए, वहाँ हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। वही सभी इक्वेशन हम लिखेंगे, यू विल गेट द फाइनल कंक्लूजन, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। क्या ये क्लियर है? कोई दोहरा है इसमें? मुझे बताओ टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जब लिफ्ट नीचे आएगी विद एन एक्सेलरेशन ए? नोट, एज लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। ठीक है, इसको एज अ क्वेश्चन के द्वारा करते हैं। किसी को कुछ लिखना है वो फटाफट से लिख ले। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन इज टी एंड मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इज टी वन एंड ऑल्सो व्हेन मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इज टी टू। सिंपल देखो, यहाँ पे लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम है। अगर ये पेंडुलम मतलब ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी तब टाइम पीरियड देखो, जब ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगी तब टाइम पीरियड टी वन बोला है, और जब ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाएगी तो टाइम पीरियड टी टू दिया है। तो कंपेयर करो तीनों को। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये लिफ्ट ऊपर या नीचे जाएगी तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा। जब ये स्टेशनरी थी लिफ्ट, लिफ्ट अगर रुकी हुई है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो ही दोनों केस में, तब टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही आएगा, चाहे लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए, नीचे जाए या रेस्ट पे रहे, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लिफ्ट नीचे जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ए, तो हमें अभी जस्ट देखा टाइम पीरियड आएगा, टी वन लिखने को बोला है, तो वो आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, दैट इज टी टू इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। तो हमने अभी कंपेयर करना है कि टाइम पीरियड सबसे छोटा कौन सा है। तो हमने देखा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो सबसे छोटा है, सो टी टू सबसे छोटा है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर आउट ऑफ दिस थ्रू सबसे बड़ा है। उसके बाद जी ये वाला आएगा, दैट इज व्हेन द कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो टाइम पीरियड टी बीच में आएगा। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका होगा? तो टी वन का सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड होगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है तो टाइम पीरियड उसका बड़ा होगा, सो टी वन इज ग्रेटर। तो ऑप्शन डी हमने यहाँ पे देखा, दैट इज करेक्ट, टी टू फिर टी एंड सबसे बड़ा टाइम पीरियड जब लिफ्ट नीचे आ रही है, दैट इज टी वन। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ और यहाँ पे मूविंग डाउनवर्ड्स, ये वहाँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ, व्हेन मूव्स डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन ए, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है विथ रिटार्डेशन ए इज अगर टी वन है एंड लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए इज टी टू है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तब यहाँ पे टाइम पीरियड टी है। तो कंपेयर करो तीनों को, तीनों को कंपेयर करो और क्या सही जवाब होगा मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। ठीक है, तो ये लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।